कर और इसके बारे में बहुत काम करना है। बाबा जी, आपका योग, आयुर्वेद इत्यादि के प्रति जो योगदान है अभूतपूर्व है और मैं आपके बहुत एडमायरर्स में से हूँ। परंतु जब मैं जो थोड़ा बहुत योग के बारे में मैंने सीखा या समझा, उसमें यह है कि बहुत बारीकी से श्वास कंट्रोल, मूवमेंट कंट्रोल, एक्यूरेसी। पर जब आपका, मैं सुबह देखती हूँ जब आप परफॉर्म करते हैं मंच पे और हज़ारों लोग नीचे बैठ के वो मंकी ट्रिक्स कर रहे होते हैं, मतलब किसी को वो जो एक्यूरेसी से मूवमेंट्स श्वास होना चाहिए, तो आपका जो वो परफॉर्मेंस है उसके बाद उनके साथ कोई फॉलोअप होता है कि वो योग सीखे, ना कि पीटी या इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हिलना सीख लें। देखिए, इसमें मधु जी एक बात आपको कहता हूँ, मुल्लाओं ने इस्लाम को बिजनेस बना दिया, बहुत से पंडितों ने धर्म की दुकानदारी खोल दी, किसी ने ज्योतिष के नाम पर, किसी ने तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर, किसी ने शनि की तुराहु के नाम पर, किसी ने पत्रे के नाम पर। आपने कभी हाथ तो नहीं दिखाया अनंत? वैसे तो आप बहुत प्रोग्रेसिव सोच के हैं, मेरा हाथ देखो। इसमें एक लोग ये ज्योतिषी हैं, थोड़ा बहुत तो आप लोग कहीं ना कहीं चक्कर में पड़े होंगे। इधर एक रेखा बताते हैं, उसको बोलते हैं कि भाग्य रेखा, मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है और मैंने करोड़ों का भाग्य जगाया है। तो मैं धर्म के नाम पर दुकानदारी नहीं खोलता। एक मिनट, मैं आपको अगली बात कहता हूं। ऐसे योग के नाम पर लोगों ने दुकानदारी खोल रखी थी और इसमें आवरण दे दिया, योग में एक्यूरेसी होनी चाहिए। मैं कहता हूं पूरा जीवन ही योग, और ये मेरी मान्यता नहीं है, ये श्री अरविंद भी यही कहते हैं, सारे वेद ये कहते हैं और गीता पूरी यही कहती है। अब जहां तक बात आती है ब्रीदिंग प्रैक्टिस, पोश्चर्स की प्रैक्टिस, फिजिकल प्रैक्टिस और इसके बाद आगे मेडिटेशन, तो जो पोजों में एक्यूरेसी है वो जरूरी बिल्कुल नहीं है। ये कुछ लोगों ने क्या किया कि बैठ गए 10-20 लोग बैठा लिए स्टूडियो में और उनकी एक्यूरेसी में ऐसे ये पोज होना चाहिए। वो बच्चों के लिए तो ठीक है, हमारे बच्चे करते हैं तो वहाँ 100% एक्यूरेसी पर काम करते हैं और बहुत फैंटास्टिक करते हैं। हमारे बच्चे भी आपने कभी कभी देखे होंगे आचार्य कुलम गुरुकुलम के, हम विश्वविद्यालय में जब डिग्री कोर्स कराते हैं तब एक्यूरेसी जाँचते हैं। जो मासेज में योग होता है उसमें एक्यूरेसी कतई ज़रूरत नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि आप जो है सीधे बैठ करके प्राणायाम करो। पहले कहते थे पद्मासन लगाओ, चलो मैं तो यही लगा दूंगा, ये लो, आप नहीं लगा सकते। अब मैं कहूँ कि ये एक्यूरेसी होगी तभी आप आगे योग शुरू करेंगे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो छोटी छोटी एक्यूरेसीज की जो बात की ना, ये योग के को धंधा बनाने वालों ने ज़्यादा की थी। तो मैंने क्या कहा, आप श्वास लो छोड़ो, इसमें लोगों ने संख्या की बात की कि आप 2 सेकंड में लेंगे कि 3 में लेंगे कि 5 में लेंगे। मैंने कहा भैया लंबा ले लो और छोड़ लो, चाहे 2 में ले लो चाहे 100 में ले लो, लेते और छोड़ते रहोगे तो श्वास नहीं छूटेंगे, नहीं तो छूट जाएंगे। तो इसमें एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है। मैं अब जैसे कपाल भाती 10 तरह से होती है। ये नीचे वाली कपाल भाती जो है वो श्री जी का भाई है ना, हिंदुजा का छोटा दूसरा भाई है, अशोक तो छोटा है, एक और है। तो मेरे से बोले बाबा जी मैं कपाल भाती करता हूँ, नीचे वाला पेट तो घट गया, ऊपर वाला नहीं घटा, तो ऐसे करता था। मैंने कहा भैया तुम नीचे वाली कर रहे हो। एक हरियाणा का आदमी आया, बोले बाबा कपाल भाती करके तुम्हारा गला पक गया। मैंने कहा तेरा गला कुक कर पक गया? तो बोले बाबा यूं करूं। मैंने कहा तेरा फुटिया नहीं, इतनी गनीमत है। मीन्स कुछ लोग जो है जैसे मैं, लेकिन हिला कुछ तो कर रहा है ना, जोर से कर रहा है, धीमे कर रहा है। मैं कहता हूँ ब्लड प्रेशर वालों को फास्ट नहीं करना चाहिए। तो जो बेसिक सावधानियाँ हैं ना, प्रिकॉशंस हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ। उसके बाद आगे की चीज़ों पर मैं ज़्यादा नहीं जाता। उसका कारण ये है कि करोड़ों लोग कुछ तो करने लग गए और ये तो धीरे धीरे किसी भी
जो है जिसको कहते हैं एक्यूरेसी स्किल, वो तो कौशल, वो तो धीरे धीरे आता है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी एक बात आती है आचरण की। योग में तीन पक्ष हैं, एक योग का नॉलेज, दूसरा योग इन प्रैक्टिस एंड तीसरा योग इन एक्शन। तो योग तो मूल तो आचरण की बात है। तो जब आदमी प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, आसन करता है, तो धीरे धीरे उसका चित्त अपने आप ही शुद्ध होने लगता है, तो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं इसके लिए ज़्यादा ठेकेदारी नहीं लेता कि योग कर रहे हो तो ये ही करना है। अरे भैया अपने आप ठीक हो जाएगा ना, उसको प्रकृति भी तो कोई एक भगवान का विधान, यूनिवर्सल लॉ भी तो कोई चीज़ है। तो मैं अपना काम करता हूँ, बाकी मैंने इतना देखा है कि करोड़ों लोगों का वेट कम हो गया, मैंने इस देश का करोड़ों किलो वजन कम किया है, करोड़ों लोगों का कोलेस्ट्रॉल बीपी शुगर ठीक हो गया है, करोड़ों लोग जो है वो थोड़े जो है लेस फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस और जो गलत लाइफस्टाइल उससे बात, करोड़ों लोगों की बीड़ी सिगरेट शराब छूट गए, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम छूट गई। तो धीरे धीरे अपने आप लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो इसको स्लो स्लो ये चलता रहे तो अच्छा है। काफ़ी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया था आज से 25 साल पहले जब मैंने समूह में योग सिखाना शुरू किया था, लेकिन आजकल बंद कर दिया लोगों ने क्रिटिसिज्म करना, क्योंकि मेरा तो कर लेते थे, अब वही काम मोदी जी भी करने लग गए, वो भी समूह में कराने लग गए, खुद भी करते हैं और एक देश का प्रधानमंत्री भी कर रहा है, उनके साथ 25-50 हज़ार लोग भी कर रहे हैं, तो अब लोगों ने अब क्रिटिसिज्म बंद कर दिया। मैं कहता हूँ इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं है। तो एक्यूरेसी उनके लिए है जिनका योग एक प्रोफेशन है, जो दैनिक एक